सवाल है, मोबाइल फोन बार बार हैंग क्यों होता है? दोस्तों, इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट करें। अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है रैम कम होने के कारण। दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा है? इसका सही आंसर है रॉक्सी सिनेमा घर, जो कि न्यूयॉर्क में है। तीसरा सवाल है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है विटामिन सी। चौथा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। पांचवा सवाल है, फेसबुक किस देश की कंपनी है? इसका सही आंसर है अमेरिका देश की। छठवां सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है? इसका सही आंसर है मैक्सिको देश का। सातवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है कैथोलिक चर्च, जो कि गोवा में है। आठवां सवाल है, ऐसा कौन सा गांव है जिसके नाम में कोई भी मात्रा नहीं आती? इसका सही आंसर है अहमदनगर। नौवां सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दिल और दिमाग दोनों नहीं होते? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो रोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते हैं। अगर आपका कोई और जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दसवां सवाल है, लाल किला बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है लगभग 10 साल। दोस्तों आप कितने आंसर सही दे पाए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।